टाइम में कौन सी गेम खेलते थे और नायसा टियाना आज के टाइम की है तो वो कौन सी गेम खेलते हैं? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा वूजा मेरी सब हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है गोभी का पराठा और चाय। चलो फटाफट नाश्ता करते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, आज मैं नायसा से, टियाना से और दादू दादी से सबसे ये पूछने वाली हूँ कि पहले के टाइम पे दादू और दादी कौन सी गेम खेला करते थे, और नायसा और टियाना से ये पूछूंगी कि इस टाइम वो कौन सी गेम खेलते हैं। तो चलो फ्रेंड, इन सबको रेडी करती हूँ और इन लोगों से पूछते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इन सबके पास। सब रेडी है? तो डैडी, मम्मी, नायसा, टियाना, मैं सबसे ये पूछने वाली हूँ। पहले तो मैं दादू दादी से पूछूंगी नायसा, ठीक है? okay. दादू दादी, आपके टाइम की कौन कौन सी गेम होती थी जो आजकल के बच्चों को नहीं पता है? तो आप हमें बताओ कि आप लोगों ने अपने टाइम पे कौन कौन सी गेम खेली। दादी सिर्फ चार चार गेम बताएंगे जो वो पुराने जमाने में खेलते थे। ठीक है, जो आप लोगों को आज के टाइम की जनरेशन को नहीं पता। ठीक है दादू, ठीक है दादी, रेडी हो बताने के लिए? ठीक है, पूछती हूँ दादी से। चलो दादी, दादी अब बोलो। पिट्ठू। अच्छा, पहली गेम पिट्ठू खेलते थे। क्या नायसा आपको पता है पिट्ठू वाली गेम कौन सी होती है आज के टाइम में? नहीं पता। दादी मेरे को दूसरी गेम बताओ आप। और हम खेलते थे वो इमली में जो बीज निकलते थे ना उसको। अच्छा, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। वो उसको बोलते थे हम चक्कन बो। हाँ। चक्कन बो फ्रेंड्स, कमेंट। हाँ, अष्टा 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 कुछ बोलते थे उसको। फ्रेंड्स देखो, दादी ने जो दो गेम्स बताई है, प्लीज कमेंट करके बताना कि किस किस को ये वाली गेम पता है। हाँ दादी बताओ। और दादी चिंगापो खेलते थे और उसके बीज होते थे, क्या है ये? इमली के उसके बीज ऐसे करते थे, ऐसे निकालते थे। वो तो गिट्टे होते थे दादी, शायद मेरे हिसाब से गिट्टे नहीं होते थे वो। अच्छा, दूसरे एक और होते थे पत्थर। और गिट्टे भी होते, गिट्टे भी होते थे। और कौन सी गेम की थी दादू दादी आपने? और खो 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 हाँ खो खो भी घेरा बना के जाते थे, फिर उनके पीछे रुमाल रखते थे। रुमाल फेंक के जाते थे। हाँ, ये तो मुझे भी याद है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखो, आपको भी पता चला होगा कि दादी के टाइम पे कौन कौन सी गेम दादी खेलती थी। तो अब चलो फ्रेंड, दादू के पास चलते हैं। तो अब हम चलते हैं दादी के पास। तो दादू, आपको भी कोई चार गेम बतानी है जो आपने पुराने जमाने में खेली। कबड्डी, कंचे, लट्टू। वाओ, दादू ने तीन गेम बता दी। देखो फ्रेंड्स, साइकिल का पहिया डंडा लेके चलाते थे। अच्छा, व्हील को लेके, मतलब साइकिल का जो टायर है उसको डंडे से लेके चलाते थे। क्या नायसा, आपको पता है ये वाली गेम जो दादू ने बताई आज के टाइम में? नहीं पता ना। और बताओ दादू, आपको पता है कुछ और? कबड्डी। टियाना आपकी बारी आएगी। टियाना नो, अभी आपकी बारी आएगी, दादू को बता दो। और दादू, और पता है दादू कोई गेम? कंचे खेलना तो बता दिया। ग्लास बॉल्स होती थी। हाँ हाँ, ऐसे करके। तो ये थी हमारे दादू और दादू के पुराने टाइम की गेम। तो चलो आप फ्रेंड्स चलते हैं। दादू और पता है आपको कुछ? चोर सिपाही खेलते थे। वो तो चार पर्ची ढप खेलते थे ना, पर्ची बना के, राजा मंत्री चोर सिपाही। फ्रेंड्स ये तो मुझे भी पता है। अच्छा नायसा, ये आपको भी पता है? छुपन छुपाई खेलते थे। तो फ्रेंड्स कौन सी? घोड़ी कच्ची के पक्की। फ्रेंड्स ये मुझे पता नहीं है कौन सी गेम थी। और नायसा मुझे आप बताओ, आपके टाइम की कौन सी गेम होती बेटा जो आज के टाइम के, जो कुछ कुछ मुझे भी नहीं पता? ओके, सो लेट अस टेल यू। फर्स्ट इज डॉच बॉल। वो कौन सी है डॉच बॉल? डॉच बॉल में हमें की बहुत सारे ना मतलब कोन्स होते हैं, वो ना सर्कल में लगते हैं और वही पे जो है ना बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं, गर्ल्स एंड बॉय। उसके बाद क्या करते हैं कि जो थोड़े से जो बंदे होते हैं वो उस सर्कल के अंदर खड़े होते हैं। ओके। ये वाली गेम खेलते थे। इसके अलावा दूसरी गेम बताओ। लूडो तो पहले भी खेलते थे, है ना दादी? हम पहले भी खेलते थे ना लूडो। पहले ये आजकल बढ़ के आ रही है, हम बनाते थे जमीन पे बना के खेलते थे।
अच्छा, और दादी और बताओ नायसा, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड तो पुरानी गेम चलती आ रही है ना दादू दादी, ये तो बहुत। कौन सी? चिकलेट्स। चिकलेट्स कौन सी गेम होती है भाई? पता नहीं भैया, फ्रेंड्स हमें नहीं पता आजकल के बच्चे कौन कौन सी गेम खेलते हैं, कौन कौन सी। मुझे तो, मैंने तो कोई कोई गेम्स के नाम ही नहीं सुने। और क्रॉस द स्विंग। क्रॉस द स्विंग, वाह ये भी गेम का नाम है फ्रेंड। फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी गेम का नाम सुना है। तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो पुराने टाइम की गेम दादू दादी ज्यादा अच्छी होती थी मुकाबले आज के टाइम पे, है ना। एक्सरसाइज हो जाती थी, एक्सरसाइज। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो ये दादू, बिल्कुल ना बात करते हैं, करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको क्या चाहिए? चश्मे लग गए, चश्मे सबके बच्चों के चश्मे लग गए, चश्मे लग गए आज के टाइम। क्या करते हैं? शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, और यूट्यूब देखते हैं। और खाना खाते टाइम इनको फोन चाहिए होता है? खाना खाते टाइम टीवी चाहिए, फोन चाहिए। वैसे तो खाना खाना है, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे तो। पर लेकिन बेसिकली देखा जाए तो पहले के टाइम की गेम्स अच्छी हुआ करती थी, उससे एक्सरसाइज भी होती थी और हम कुछ सीखते भी थे। लेकिन आज के टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ फोन देख के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, है ना। सही होती थी पहले। हाँ, और आज के टाइम में ना ये हरी सब्जियां खाते, बचपन में अंधे हो जाते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादू, बचपन में ही अंधे हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स आज आपको पता चला होगा कि पहले के टाइम की कौन कौन सी गेम होती थी और आज के टाइम के बच्चे क्या करते हैं, उनको कौन कौन सी गेम पता है। कि बहुत सी गेम ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता, दादू दादी को पता है, बहुत सी दादू दादी को पता है, वो कुछ कुछ मेरे को भी नहीं पता उनकी कोई गेम्स, क्योंकि भाई वो पुराने टाइम की होती थी। बट देखा जाए ओवरऑल दोनों गेम्स में अगर कंपैरिजन करें तो पहले के टाइम की गेम्स अच्छी होती थी मुकाबले आज के, क्योंकि आज के बच्चे तो ऑल टाइम फोन देखते हैं। आज के टाइम के बच्चों को खाना खाना है तो फोन चाहिए, कोई भी काम करने हो तो हर चीज रिलेटेड टू फोन चाहिए, फोन होना चाहिए बस इनके पास। गेम्स खिलाएंगे नहीं खेलेंगे, मम्मा फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो। क्या बनाया खाने में? आलू मटर। आलू मटर और रोटी। रोटी। तो देखो फ्रेंड्स दादी आलू मटर की शक्ल दिखा रही है हमारी, ये देखो वाओ मस्त आलू मटर। चलो खाते हैं खाना। अब फ्रेंड्स अभी निकले हैं बाहर और इस टाइम दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है और ऐसा हवा इतनी जोर से चल रही है कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि फेस पे कोई हमें थप्पड़ मार रहा है, इतनी जोर से ठंडी हवा चल रही है। और अभी जा रहे हैं अभी चाचा चाची के घर। एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम गए थे ना चाचा चाची के घर तो नायसा का ना वहाँ पे चश्मा छूट गया था, तो वही क्योंकि वो उसका मतलब नज़र का ही है, जब भी वो स्टडीज करती है तो उसको चश्मा चाहिए होता है फ्रेंड, तो वही लेने जा रहे हैं क्योंकि काफी दिन से गई नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, आज फाइनली टाइम मिला है। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं चाची के घर और हम घर के नीचे खड़े हैं। फ्रेंड्स देखो ये ऊपर है अभी क्योंकि काफी देर हो चुकी है और लेट भी हो चुके हैं, इस टाइम 12 बज चुके हैं। फ्रेंड्स आ गए हम चाचा चाची के घर। भाई हम अपना चश्मा लेने आए हैं, भाई हम अपना चश्मा लेने आए हैं, चश्मा दो हमारा चश्मा, चश्मा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, देखते हैं अभी अंदर क्या चल रहा है। देखो बहुत ठंड हो रही है। नमस्ते, क्या चल रहा है चाची? चाची ने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई और चाची कह रही है तुम खा लो, और हम ऑलरेडी खा के आ चुके हैं चाची, हम नहीं खा पाएंगे, पेट में जगह नहीं है बिल्कुल भी। चाचा कुछ नहीं चाहिए हमें, और ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो देना मत। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम लोग पीते कम है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। नितिन जी, हेलो नितिन जी, ले लो नितिन जी, कौन सी चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं, मना कर रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं, वो नहीं पीते हैं चीजें। कुछ पूरी तो वैसे भी नहीं खाते हैं। चाचे हमारे चश्मा दे दो जल्दी से, सामान लेने आए हैं। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी। तो फ्रेंड्स हमें नायसा का चश्मा भी मिल गया और मेरा स्टॉल भी मिल गया और अब हम निकल रहे हैं घर, काफी लेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फ्रेंड्स व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।